मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. मेरा जो सम्मान हुआ है, जो प्लेन से मैं उतरी दिल्ली, दिल्ली से यहाँ पर, यहाँ उतर के इतना थक गई थी और मैं ये सोच रही थी कि नेपाल वालों ने इतना मुझे जल्दी कैसे बुलाया. अभी थोड़ा चार साल रुक जाते तो मैं ऊपर ही चली जाती. अभी मेरी उम्र है कितने बोलू 86 चल रहा है. और जब मैं उतरी तो सामान आ रहा था, ये हो रहा था, दो तीन घंटे निकल गए थे. तो मैं बाहर आई तो मुझे ऐसा लगा कि जीवन में मैंने कभी ऐसा किसी जगह पे भी सत्कार, सम्मान, वेलकम देखा नहीं था. और लड़के लड़कियां ड्रेस पहन के डांस का, कितनी जगह पे यहां वहां ऐसे सब बैठी हुई थी. मैं जाके उनके पास फोटो निकाली और मुझे रोना आ रहा था कि मैं एक सिंगर ही हूं बस, भगवान तुमने तो इतना प्यार लोग मुझे करते हैं और वो भी नेपाल में. नेपाल से मुझे भी प्यार है बहुत प्यार. लेकिन अफसोस यह है कि मैं भाषा नहीं बोल पाई. कस्ते हुंचा राम रुचा इतना ही बोल पाती हूँ. पानी देना. और कांचा मेरे सामने छोटा सा लड़का आया था बर्मन साहब के पास, एसडी बर्मन के साथ बजाते थे. मुझे मालूम नहीं था इसका नाम रंजीत है और गजनवी है कि गजनवी है, मालूम नहीं था. गजमेर अभी पता. मैं तो कांचा ही बुलाऊंगी. और बर्मन साहब के साथ रोज जो उनकी बैठक होती थी और वहां जो गाने बनाते थे, वहां ये रिदम वाले और सब जैसे ट्यूशन बैठते हैं वैसे बैठ के रिहर्सल होती थी या म्यूजिक बनता था. जो बनने में ये लोग सामने होते थे, इनके साथ भी और दो तीन लड़के होते थे. और ये जो मादल था, ये मादल पंचम का बहुत प्यारा इंस्ट्रूमेंट था. वो हर गाने में उसने यूज किया और बहुत सुंदर यूज किया. तो हम बस कांचा ही जानते थे. शादी में गए, बच्चे को मिले, ये हुआ वो हुआ, लेकिन कांचा ही था हमारे लिए. आज मैं और एक आदमी का यहाँ पर बहुत ये करूंगी कि ये जो लड़का है सत्यजीत, ये कांचा का लड़का है. और ये सत्यजीत बहुत अच्छा लड़का है क्योंकि सारे घर को संभालता है, एक साथ रखता है. ये जो आज आप म्यूजिशियन देख रहे हैं, ये कब से आके यहाँ पर वो रिहर्सल कर रहा है और ये जो भी आप देख रहे हैं ये इसके वजह से हो रहा है. और इसका मुझे अभिमान है कि ये बहुत अच्छा है. ऐसा बच्चा हर घर में होना चाहिए. पानी तो नहीं यहाँ रखा हूँ. आवाज मेरी बराबर से आ रही है, ठीक है? आवाज क्या होता है ना कि उम्र हो
चीजें भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। मुझे साडे पुरी जी साडे जो हिंदुस्तान के एम्बेसडर और उनकी बीवी, मैं उनका उनको मैं नमस्कार करती हूँ, उनका आदर करती हूँ और वेलकम करती हूँ। और यहाँ के प्रेसिडेंट साहब, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। इसमें क्या बोलते हैं नेपाली में, क्या बोलते हैं स्वागत को, क्या बोलते हैं? स्वागत ही बोलते हैं। तो ये नेपाली और नेपाल और हिंदुस्तान का क्या गड़बड़ है? कुछ भी नहीं, यहाँ एक ही है भाषा, एक है, स्वागत के स्वागत बोलते हैं और धर्म भी एक ही है। यहाँ पशुपतिनाथ है तो वहाँ ज्योतिर्लिंग है, सभी एक ही है। मेरे लिए तो हर दुनिया का आदमी, मुझे सभी से प्यार है, सब लोगों से प्यार है। प्यार नहीं करो तो जीवन बहुत बहुत छोटा हो जाता है।
डैडी ने ना जो गाना गाया था आपको मालूम है वो गाना 1960 में मैंने गाया था जब आकाशवाणी टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट था तब कलर नहीं हुआ था तब मेरा प्रोग्राम हुआ था ये है आशा और उसमें डैनी मेरे साथ डांस कर रहा था और डांस मतलब वो उसने मुझे वो गाना सिखाया उससे डैनी मेरे बहुत अभी भी मैं थोड़ी देर पहले उनसे मिली थी और आगे आगे तो को आज तक आपने मुझे 75 साल तक सुना है। मैंने 1943 में मेरा करियर शुरू किया, मैं 10 साल की थी। पंजाबी बड़े गाने गाए जी, बड़े बड़े गाने गाए। और कितने साल हो गए, मैं 10 साल की थी तब गाया था और अभी 85 की हूँ, तो कितने साल हो गए, गिनती करिए जल्दी जल्दी। तो इतने साल आपने मुझे सुना और आपने मुझे प्यार दिया, आप ना होते तो मैं यहाँ ना होती। अगर आप गाना नहीं सुनते तो हम कभी यहाँ नहीं होते। अब मैं आपको एक गाना गवाना चाहती हूँ क्योंकि मैं गा चुकी हूँ, बहुत गा चुकी हूँ, मैं सुनना भी चाहती हूँ। ये गाना मैं खास पुरी जी के लिए गा रही हूँ। Thank you.
मेरी पोती है, इसका नाम जनाई है और ये गाती भी मैं आई थी और उसको बुला लिया और वो आ गई, ये मेरा नसीब है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने पसंद किया है। कैसे गाती है मेरी बेटी? ये गाना गाती है, डांस भी करती है और स्कूल भी करती है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलके। और कांचा का जो सम्मान है वो भी हुआ। और मुझे, मैं क्या बोलूँ, और हम बहुत साल से साथ में हैं, 50 साल हमको साथ में हो गए हैं। वो 80 का हो गया, मैं 87 हो गया, 28। साल क्या होता है, साल तो बढ़ते ही रहते हैं, हम लोग नहीं बढ़ते ना, साल तो बढ़ते रहते हैं, हम वही रुक गए हैं। मैं तो 40 नहीं हूँ अभी तक। थैंक यू वेरी मच। आप इसके कांचा के लिए आप आए, सब लोगों ने उसको इतना आदर सत्कार दिया है और मैं भी इसके लिए आई हूँ। ये होटल वालों ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, सब लोग जितने भी हैं वो सब हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए हैं। मेरे म्यूजिशियन, क्या होता है, मैंने उम्र होने से भूल जाता है इंसान, मेरे म्यूजिशियन जो यहाँ पर मैंने जो रिहर्सल सुनी है, जो गाने सुने हैं, वो इतने अच्छे बजाते हैं कि मुझे गर्व था कि मैंने बॉम्बे के म्यूजिशियन हमारे बहुत अच्छे होते हैं। वो नाक बंद कट गई। ये म्यूजिशियन इतने अच्छे हैं जितने हमारे म्यूजिशियन वर्ल्ड के म्यूजिशियन जो हैं, जैसे मनोहरी जैसे म्यूजिशियन वैसे ये हैं। और मैं बहुत 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 खुश हूँ आप लोगों से। मैं आपके साथ नहीं गा सकी क्योंकि मेरी रिहर्सल वगैरह नहीं थी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सबको आपको आशीर्वाद है मेरा, आप ऐसे ही बजाते रहिएगा। और अच्छा, ये मेरे चेले हैं तो चेले से ही होंगे। अच्छा, दार्जिलिंग से आए, दार्जिलिंग के तो है तो वही ना नेपाली। Thank you.